नमस्कार, आप देख रहे हैं वीएम न्यूज। बताइए सर। आम आदमी पार्टी ने आज जिलाधीश, मुख्यमंत्री जी और राज्यपाल महोदया के नाम पर ज्ञापन जिलाधीश के माध्यम से दिया और उसमें एक करोड़ों के घोटाले की मांग की, जांच की मांग की। मामला ये है कि छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने 30/9/2021 को एक ज्ञापन निकाला हाउसिंग बोर्ड कालीबाड़ी चौक पर स्थित एक जमीन 15,101 वर्ग फीट की जमीन जो कॉर्नर पर है उस जमीन को बेचने का ज्ञापन निकाला। उस जमीन की निविदा में बिलाई नगर विधायक श्री देवेंद्र यादव के भाई श्री धर्मेंद्र यादव जी पार्टिसिपेट करते हैं। उस जमीन का ऑफसेट ऑफर मूल्य छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल ने 2,52,00,000 रुपए रखा और अन्य किसी भी व्यक्ति ने उस निविदा में जमीन खरीदने के लिए भाग नहीं लिया और वो जमीन श्री धर्मेंद्र यादव के नाम पर आवंटित हो जाती है और जमीन आवंटित होने के बाद धर्मेंद्र यादव जी एक पत्र हाउसिंग बोर्ड को लिखते हैं कि इसमें बिलाई नगर विधायक श्री देवेंद्र यादव जी की पत्नी डॉक्टर श्रुतिका ताम्रकार यादव का नाम उसमें ऐड किया जाए और विभाग ऐड कर देता है। यहां पे जो भ्रष्टाचार कहां हुआ है उस मैटर पे हमने शिकायत की। जब ऑफर मूल्य 2,52,00,000 रुपए है और एक ही व्यक्ति ने, विधायक के भाई ने सिर्फ उस निविदा में भाग लिया तो आपको कंपटीशन, रेट की कंपटीशन हुई कहां? जबकि उस जमीन का बाजार मूल्य 10 करोड़ रुपए है तो 7.5 करोड़, लगभग 7.5 करोड़ आपने नुकसान किया, भ्रष्टाचार किया। किसके कहने पे किया? पहले से ही कॉन्स्परेंसी थी कि जमीन उसको आवंटित करनी है। दस्तावेज बताते हैं, दस्तावेज कहते हैं कि पूरी प्रक्रिया धर्मेंद्र यादव जी के घर में हुई होगी। क्यों? एक आम इंसान अगर किसी एनओसी के लिए जाता है तो 15 से 20 दिन का टाइम लगता है। जमीन का आवंटन प्रक्रिया के दौरान उसके पहले लोन के लिए एनओसी इश्यू हो गई। तो दस्तावेज ये कहते हैं कि ये जो निविदा है उन्हीं के लिए बनाई निकाली गई थी, उन्हीं को जमीन आवंटित करने के लिए दी गई थी और अन्यथा छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल नहीं, इसके पीछे तो कांग्रेस सरकार है, वो तो मोहरा है। छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल तो एक मोहरा है। सरकार को ऐसी क्या जल्दी थी, भूपेश सरकार को ऐसी, कांग्रेस सरकार को ऐसी क्या जल्दी थी कि रेट की कंपटीशन नहीं करवाना चाहती थी? उद्देश्य एक था कि उनको जमीन विधायक जी के भाई को ही आवंटित करनी थी। अन्यथा अगर वो बाजार मूल्य से तुलना करते या कोई भी कंपटीशन रेट की होती तो वो जमीन का रेट करोड़ों रुपए राज्य सरकार को फायदा होता, लेकिन राज्य सरकार किसकी है? कांग्रेस की। जमीन खरीदा कौन? विधायक का भाई, कांग्रेस की विधायक का भाई, तो फायदा तो उन्हीं को पहुंचाया गया ना। इसकी जांच होनी चाहिए, ये रद्द होना चाहिए टेंडर, इसकी फिर से टेंडर करके मूल्य में, रेट में कंपटीशन होनी चाहिए थी। आप वहां पे जाकर के जमीन का रेट पूछ लीजिए, 6,000 से 8,000 रुपए रेट है वहां पे। आप अपने आप को कलेक्टर रेट के हिसाब से जस्टिफाई करने की कोशिश करते हैं कि आपकी डील में, आपने डील में पारदर्शिता बढ़ती है। तो आपने फिर एक ही आदमी ने जब उस निविदा में भाग लिया तो आपने उसको रिटेंडर क्यों नहीं किया? क्यों? क्योंकि आपकी नीयत खराब थी, आपको अपने आदमी को, विधायक के भाई को ही लाभ पहुंचाना था। इसका मैं एक और एग्जांपल देता हूं। जब देवेंद्र यादव जी महापौर थे तो नेहरू नगर
गढ़ कलेवा इंस्टॉल के लिए 3 बार निविदा बुलाई थी, उनको रेट सही नहीं मिल रहा था, 3 बार निविदा कैंसल हुई। क्यों? रेट नहीं मिल रहा था या उनको अपना आदमी को नहीं दे पा रहे थे, क्या था? लेकिन जांच होगी नहीं, सरकार कांग्रेस की, घोटाला करने वाले कांग्रेस के, तो जांच करेगा कौन? जांच करने वाले भी उनके अंतर्गत। तो इस पूरे प्रकरण को, इस पूरे घोटाले को लेकर के हमने शिकायत की थी और उम्मीद कम है कि इसकी कोई जांच कांग्रेस सरकार करवाएगी। हम इसको एक टाइम लिमिट के बाद माननीय उच्च न्यायालय में इसको परिवाद फाइल करेंगे। ये आम आदमी पार्टी का स्टैंड है। और ये सिर्फ एक ही जमीन नहीं है, आने वाले और बहुत सारी जमीन। आप ये मान के चलिए कि अगर पूरे छत्तीसगढ़ में भूपेश सरकार ने 100 करोड़ की जमीन बेची है तो मान के चलिए वो 500 करोड़ की जमीनें हैं। ऐसा मैं हवा में नहीं कह रहा हूं, बिना दस्तावेजों के आम आदमी पार्टी बात नहीं करती, पूरे दस्तावेज बताते हैं कि सारी जमीनें ऐसे ही कौड़ियों के भाव बेची जा रही हैं। और जमीन बेचने की जरूरत क्या है आपको, ऐसी क्या जल्दी है? आप ईमानदार हो, कॉम्पिटिशन करो, रिटेंडर कराओ। तो कुल मिलाकर के इसमें करोड़ों का भ्रष्टाचार किया है, इसी विषय को लेकर के हमने आज यहाँ पर प्रेस वार्ता की है और आम आदमी पार्टी इसको अंत तक लेके जाएगी, जो उसका हमेशा की तरह स्टैंड रहा है। यह आवंटन कब से कब हुआ है? 30/9/2021 को आवंटन के लिए ज्ञापन हरिभूमि और पत्रिका में निकला है और 11वें महीने में उन्होंने निविदा भरी है, देवेंद्र यादव के भाई धर्मेंद्र यादव जी ने। और उनके निविदा भरने के 2-4 दिन के अंदर उनको आधिपत्य मिल गया, किसी और ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया, तो उनको रिटेंडर करना चाहिए था। तो कुल मिलाकर के करोड़ों का भ्रष्टाचार हुआ है और इसमें जांच होनी चाहिए, आम आदमी पार्टी की ये मांग है।